हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद विनय। आज मैं कुछ एक ऐसे चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जिसको आपने शायद पहले देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीके से मतलब काम करता है। मतलब एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ ये ट्रिपल ए साइज़ बैटरीज़ की। मतलब ये मैंने लिया था रिलायंस डिजिटल स्टोर से, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मेरे को मिला, और ये मेरे को पड़ा सिर्फ 299 रुपीज़ में पड़ा। एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ है 899, पर 299 में पड़ा। तो ये देखने में तो आपको ये ऑर्डनरी एक सेल ट्रिपल ए सेल लगता है, पर इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो आप इसको चार्ज करने के लिए अलग सा कोई चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती। 400 mAh की बैटरी है, तो कोई चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इसको चार्ज करने के लिए। आपके पास अगर एक मोबाइल का अडेप्टर है जिसमें माइक्रो USB केबल है, वो तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हो, तो वो एक एडवांटेज है इसका। तो इसको थोड़ा अनबॉक्स करके हम दिखाते हैं आपको कि कैसा है ये। तो इसमें बेसिकली अगर बोला गया तो 1 साल की वारंटी भी है, देख सकते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको कैसा है क्या है। ये देख सकते हैं, ये है वो सेल, देख सकते हैं आप ये सेल को ठीक से देख सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक माइक्रो USB का पोर्ट दिया हुआ है ये सेल में। आप ठीक से अगर यहाँ दिख रहा होगा, क्या पता नहीं मुझे, देख सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट लगा के चार्ज कर सकते हो, ऐसा कंपनी का कहना है कि आप शायद 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है ये। तो ये तो हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कितना है करके। अगर मैं ये इसकी तुलना अगर मैं मेरे पास एक दूसरा एक रिचार्जेबल सेल है उससे अगर करूँ, ये वाला मैंने एवरीडी का लिया था, ये मैंने एक शॉप से लिया था, ये 600 mAh की बैटरी वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिटेलिंग, आप यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा। तो 600 mAh की है ये, जबकि ये 400 mAh की है। तो इसमें जैसे कि मैं एक्चुअली ये लिया हूँ घर पे, जो रिमोट वगैरह है, रिमोट कंट्रोल्स वगैरह है, तो यहाँ पे घर पे आमतौर पे देखा जाए तो काफ़ी सारे डिवाइसेस में रिमोट कंट्रोल यूज़ होते हैं। मेरे घर में जो फ़ैन है, फ़ैन में तक रिमोट है, फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, तो सब में रिमोट लगता है। तो उस पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ है ये। तो ये जो है मैं एक्चुअली अपने माउस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला माउस है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे को एक बार चार्ज करने में करीबन 10 दिन तक का बैकअप दे देता है, 10 से 12 दिन का बैकअप दे देता है। जबकि मैं ऑर्डनरी अगर नॉन रिचार्जेबल सेल अगर यूज़ करता हूँ इसमें, ये माउस में, तो 4 या 5 दिन से ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि रेगुलर यूज़ पे, तो वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप अगर ऐसा कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, माउस वगैरह आपका अगर ये सब वायरलेस माउस वगैरह, तो आप उसमें ऐसे रिचार्जेबल सेल यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसा मैं बोल रहा था, इसमें अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आपको सिंपली मतलब आपके पास अगर कोई अडेप्टर है या कोई भी सिंपल सा कोई अडाप्टर चाहिए, आपको फास्ट चार्जिंग वाला या हाई वोल्टेज वाला अडाप्टर नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, आपको कोई सिंपल सा अडाप्टर यूज़ कीजिए जो कम एम्पियर वाला हो, जो ऑर्डनरी चार्जर वाला हो, नॉर्मल चार्जिंग वाला हो, उसको आप इसमें जैसे कि इसमें मैं यहाँ पे ठीक करके लगाता हूँ, यहाँ पे इसको लगा के दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए अब ये ब्लिंक करने लग गया है। अब जैसा ही मतलब ये ऐसे ब्लिंक करते रहेगा, जब फुल चार्ज होने के बाद उसका जो है वो ब्लिंकिंग जो है बंद हो जाएगा। देखिए वो जो ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, यहाँ पे शायद लिखा भी है ऐसा कुछ, फुल चार्ज ग्रीन लाइट ऑन, फुल्ली चार्ज, देखिए लिखा ही है फुल्ली चार्ज ग्रीन LED ऑन, मतलब ग्रीन LED फ्लैश इफ फुल्ली डिस्चार्ज चार्जिंग ग्रीन। तो इसको देखते हैं अगर जैसे फुल चार्ज करके देखते हैं कि कैसा काम करता है ये, मतलब कितना देर में चार्ज होता है। मैं 1 घंटा में शायद होना चाहिए, और यहाँ तक इसकी प्राइसिंग, ये कंपनी जो है BPL की है ये। एक्चुअली BPL के तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए ही होंगे बचपन में, शायद बहुत पुरानी कंपनी है जो 90s के दशक के होंगे, जो जिनका बर्थ होगा जो 80s के होंगे, तो उनको पता होगा BPL का क्या क्या आता था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स BPL के आते थे। तो ये रेप्यूटेड कंपनी है, और ये अगर आप चाहिए, इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि मैंने ये परसों ऑर्डर किया था,
मिला मेरे को लेट, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हैं 2021 है, तो 1 साल की वारंटी तो बोल रहे हैं, तो अब मुझे पता नहीं, तो मतलब इतना तो पक्का है कि 1 साल तो चल ही जाएगा ये, 1 साल तक तो काम निकल भी जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि आप 1000 टाइम्स, मतलब मोर देन 1000 टाइम्स आप इसका रिचार्ज साइकिल है, मतलब चार्ज डिस्चार्ज 1000 बार तक हो सकता है। मतलब 1000 बार मतलब बहुत हो जाता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मतलब, तो काफ़ी अच्छी बात है वो। और ये चीज़ अगर मैं अमेज़ोन या दूसरे साइट पे देखता हूँ तो शायद ये चीज़ ऐसी मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, 600-700 रुपये का सबके मिल जाएगी। इधर में मेरे को ये चीज़ 299 पे था, बहुत इसका कॉस्ट बहुत कम हो गया था, तो मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर लिया। तो अभी इसको मेरे को टेस्ट करना है, इंटेंसिव टेस्ट तो बनता ही है। मैं एक्चुअली इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने इस माउस के साथ। ये इसके अंदर जो बैटरी है, जो वाइट वाली है, ये वाली, ये 600 mAh की है, तो करीबन 10-12 दिन तो दे देती है। अब ये 400 mAh की मेरे को कितने दिन देगी, वो देखने वाली बात है। तो वो तो देखते हैं, वो तो देख सकते हैं। और जहाँ तक ये चीज़ है, अब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ये ऑर्डर किया था रिलायंस डिजिटल से, तो आप चाहे तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। रिलायंस डिजिटल का ऐप आता है प्ले स्टोर में, वो ऐप डाउनलोड करके भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या तो मैं इसका जो बाई लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बस इतना ही है। इसका चाहे तो डबल ए वाला वर्जन भी आता है, पर डबल ए वाला वर्जन ऐसा है कि उसमें आपको यहाँ पे ऊपर में कैप मिलेगा, और कैप रिमूव करने से यूएसबी का जो है, यूएसबी जो सॉकेट जो पोर्ट है, वो यूएसबी जो सॉकेट आता है, जो प्लग आता है, वो प्लग दिख जाएगा आपको इस तरीके से। ऐसा एक प्लग, ऐसा वाला एक प्लग दिखेगा आपको उस बैटरी में ओपन करने के बाद, ये ऐसा वाला प्लग। तो वो उतना ही डिफरेंस है। अब इसमें तो वो दे नहीं सकते क्योंकि छोटी सी बैटरी है, तो ये इसीलिए इसमें इन्होंने ऐसा एक यूएसबी पोर्ट दिया, माइक्रो यूएसबी स्लॉट दिया है, जिससे कि ये चीज आप डायरेक्टली चार्जर से इसको चार्ज कर सके। तो पहले तो मैं अभी एक को लगाया है, अभी 1 घंटे बाद चेक करूँगा इसको कैसा चार्ज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर मैं दूसरा। इसका आउटपुट 1.5 वोल्ट है, इसका जो है 1.5 वोल्ट आउटपुट है, जबकि ये 600 mAh का है, इसका 1.2 वोल्ट है। हालांकि दोनों भी मेरे, ये तो काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी करीबन 1-2 साल से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें, चार्ज कर रहा है, लेकिन 15-16 घंटे चार्ज करने रखना पड़ता है इसको, इसके लिए अलग सा चार्जर चाहिए आपको, वो चार्जर मेरे पास है। तो ये इतना ही है, ये छोटा सा एक अनबॉक्सिंग वीडियो था जो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, अगर आप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल रहती है। जैसे कि घर पे काफ़ी, आप चाहे तो आपको रिमोट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छोटे मोटे हैं तो आप उसमें लग जाता है, तो ये काम की चीज़ है। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको, आपके साथ मैं ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से जो मैंने जो ख़रीदा है, जो आइटम ख़रीदा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, शायद आपके काम आ जाए। इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं करूँगा बाद में, जब आफ्टर थोड़ा यूज़ करने के बाद, बैकअप के बारे में वगैरह मैं इसका डिटेल में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं लेटर ऑन। फिलहाल तो अभी ये आज ही आया है, तो आज मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, 1 घंटे बाद देखता हूँ कैसे चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद ये एज़ पर द कंपनी कहती है कि ये लाइट जो है वो कंटिन्यूस जलते रहेगा, ऐसा फ्लैश नहीं होगा, तो मेरे को वो भी चेक करना है। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको अगर अच्छा लगता है, आप चाहते हैं ऐसा ही वीडियो मैं बनाऊं, तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे परचेसेस अगर खरीदता हूँ, कुछ अगर मैं करता हूँ, तो मैं उसकी वीडियोस डालते रहूँगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।